प्रश्न में दिया हुआ है, एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व 10 मिलीहर्ट्ज, धारिता 1 माइक्रोफेराडे तथा प्रतिरोध 100 ओम है, अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवृत्ति है। आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, तो आवृत्ति का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले एक्स एल बराबर एक्स सी धारिता। अब एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है एक बटे ओमेगा सी। ओमेगा बराबर होता है 2πf। अब हमें आवृत्ति निकालनी है, तो आवृत्ति का हम सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ इनके मान रख देंगे और मान रखने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा तो एक्स एल की जगह पे हम रख देंगे ओमेगा एल और एक्स सी की जगह पे एक बटे ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक बटे एल सी। ओमेगा बराबर अंडर रूट एक बटा अंडर रूट एल सी। अब यहाँ ओमेगा की जगह पर रख देंगे हम 2πf बराबर एक बटे अंडर रूट एल सी। एफ बराबर आ जाएगा एक बटे 2π अंडर रूट एल सी। अब यहाँ इनका मान रख देंगे, मान रखने के बाद में जो भी हमें प्राप्त होगा तो यहाँ एक बटे 2π का मान रख देंगे हम 3.14 अंडर रूट। आवृत्ति हमें प्रेर कर दे रहेगा 10 मिली हर्ट्ज, तो मिली को हम लिख सकते 10 की घात माइनस 3। और धारिता दे रखी है माइक्रोफेराडे, तो इसको लिखें 10 की घात माइनस 6। अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 6.28 अंडर रूट 10 की घात माइनस 8। 10 की घात माइनस 8 को हल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर 0.159 इंटू 10 की घात 4। तो 10 की घात माइनस 8 को हम अंडर रूट करते हैं तो 10 की घात 4 माइनस 4 आता है, जो ऊपर जाने पर हो जाता है। तो ये है हमारा हर्ज में, अगर इसको किलो हर्ज में निकालना है तो हमारे पास हो जाएगा 1.59 किलो हर्ज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित परिपथ में धारा का परिमाण व दिशा बतानी है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रखा 0.5 एम्पियर ई से होकर ए से बी की ओर जाती है। तो यहाँ जो धारा की, तो जो वोल्टता है
तो धारा I बराबर हो जाएगा वोल्टता बटे प्रतिरोध। तो वोल्टता कितनी हो जाएगी, 10-5 बटे प्रतिरोध 7-2 यानी 10 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में है तो बराबर आ जाएगा 5/10 बराबर 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर इसकी धारा होगी और धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, अतः धारा की दिशा ये होगी। ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। प्रश्न में दिया हुआ है यदि परिपथ में धारा मापी जी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है तब आर का मान होगा। तो यहाँ पर इसमें धारा का मान 0 है, तो यहाँ धारा का मान 0 है तो यहाँ पर 2 वोल्ट होगा और यहाँ पर वोल्ट का मान 0 होगा, 0 वोल्ट। और यहाँ भी 2 वोल्ट होगा। अब हम देखते हैं कि जो प्रतिरोध 400 है इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो I बराबर V/R, तो यहाँ पर 10 वोल्ट -2 वोल्ट बटे प्रतिरोध। समांतर क्रम में वोल्टता बराबर होती है, बराबर आ जाएगा प्रतिरोध पर 8/400। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0.002 एम्पियर। अब धारा का मान हमें प्राप्त होगा। अब हम जो R है इसका प्रतिरोध निकालेंगे, तो R बराबर वोल्ट दे रखिए हमें 2 वोल्ट, 2/ तो इसमें धारा का मान हो जाए 0.02। अब इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा 100 ओम प्राप्त होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 ओम। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। किसी गैस का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है, गैस को किस तापमान तक गर्म किया जाए कि इसकी वर्ग माध्य मूल चाल में 3 गुनी वृद्धि हो जाए। तो BRMS बराबर होता है √3RT/m और BRMS समानुपाती होगा √T के, यानी कि टेम्परेचर के समानुपाती होता है। -50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 केल्विन को जोड़ेंगे, आएगा 223 केल्विन। अब 223 केल्विन, अभी कह रहा है वर्ग माध्य मूल चाल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है, किस तापमान तक गर्म किया जाए। तो पहले इसका टेम्परेचर था 273 केल्विन, यानी कि B1 = 273 केल्विन। तो यहाँ पर T1 बराबर रखते हैं 223 केल्विन और B1 बराबर होगा B, ये इसकी चाल है, और T2 हमें ज्ञात करना है और B2 बराबर हो जाएगा B+3V, 3V बराबर हो जाएगा 4V, तो B2 बराबर है 4V। अब यहाँ B2/V1 बराबर √T2 हमें ज्ञात करना है, बट T1 हमें दे रखा है 223 केल्विन, B2 हमारा है 4V और V1 में है B, बराबर हमें T2 ज्ञात करना है 223
बी से बी कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो टी टू बराबर हो जाएगा 16 × 223। बराबर हो जाएगा 6568 केल्विन। अब इसमें से हम 273 केल्विन घटाएंगे, घटाते हैं तो हमारे पास आता है बराबर 3295 केल्विन। 3295 डिग्री सेल्सियस आता है, तो 3295 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन एक सही होगा इसका आंसर। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के एक ठोस गोले की इसकी अक्ष के परिते घूर्णन त्रिज्या तथा समान द्रव्यमान व त्रिज्या के पतले खोखले गोले की इसकी अक्ष के परिते घूर्णन त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमें दो गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या और द्रव्यमान समान है, अब हमें इनकी घूर्णन त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होता है एम के स्क्वायर द्रव्यमान इंटू घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। अब घूर्णन त्रिज्या निकालनी हो तो के बराबर √i/m अब खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण दो बटे 5 mr² तो ठोस गोले की घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी k1 बराबर √2/5 m √r। अब हम खोखले गोले की घूर्णन त्रिज्या लेते हैं, खोखले गोले घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, खोखले गोले का लेते हैं बराबर 2/3 mr² तो इसकी घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी k2 √3/5 r। अब हमें k1/k2 निकालना है, k1/k2 बराबर हो जाएगा √2/5 r बटे √2/3 r। अब इसको हम काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बराबर √3/5। √3/5 और √3/5 हमारे पास है नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है नहीं तो इसका बोनस अंक दिया जाएगा, ये हो जाएगा बोनस।
कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। जब इसके स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेल्सियस है तो अभिगमन तापमान होगा, यानी कि सिंक का ताप ज्ञात करना है। तो कार्नो इंजन दक्षता यानी कि जो नीटा बराबर दे रखा है 50%, तो 50% को प्रतिशत हटाने के लिए इसमें भाग दे देंगे हम 50/100 का, बराबर आ जाएगा 1/2। अब हम जानते हैं कि जो दक्षता का सूत्र होता है बराबर 1 - T2/T1। T1 है स्रोत का ताप और T2 सिंक का ताप। अब इसमें दक्षता का मान रख देते हैं 1/2 बराबर 1 - T2 हमें ज्ञात करना है और T1 स्रोत का ताप है। ये है हमारा स्रोत का ताप, यानी 327 डिग्री सेल्सियस में 327 प्लस 273 600 केल्विन आ जाएगा। अब 600 केल्विन हम यहाँ पे रख देंगे। पॉइंट 1/2 × 600 बराबर T2 बराबर आ जाएगा 300 केल्विन। अब इसको सेल्सियस में बदलने के लिए 300 में से 273 घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। किसी बंदूक से एक गोली क्षितिज से 30 डिग्री की दिशा में ऊपर की ओर 280 मीटर पर सेकंड की चाल से दागी जाती है। गोली द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर दे रखा है गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइन 30 बराबर 0.5। तो यहाँ सूत्र होता है अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर, यानी प्रारंभिक वेग u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा / 2g। अब इसमें इनके मान रख देंगे, यू स्क्वायर बराबर दे रखा है 280 का होल स्क्वायर, 280 × 280 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान दे रखा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर 2g 2 × 9.8। अब इसको हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10^5 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के एक विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। इस पर लगने वाला बलाघूर्ण 4 न्यूटन मीटर है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो द्विध्रुव पर आवेश ज्ञात करो। तो बलाघूर्ण टो बराबर होता है PE साइन थीटा। तो यहाँ पर P है द्विध्रुव और यहाँ पर बलाघूर्ण टो बराबर दे रखा 4 और P बराबर होता है द्विध्रुव भागुण P बराबर QL। Q बराबर है आवेश और L बराबर द्विध्रुव की लंबाई। तो हम P की जगह पर रख देते हैं QL। E बराबर है विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, विद्युत की तीव्रता। और L बराबर दे E और यहाँ पर विद्युत की जो तीव्रता बता रखी है E बराबर है
दो इंटू 10^5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम इसमें इनके मान रख देते हैं। तो P बराबर होता है QL, तो Q का मान, क्योंकि जब Q L बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को 2 × 10^-2 मीटर लिख देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10^5। पाँच न्यूटन कूलाम। और थीटा का मान 30 डिग्री है, तो इसकी जगह पे 1/2 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे। हल करने पर हमें प्राप्त होगा क्यू बराबर आएगा 2 × 10^-3। तो इसको हम लिख देंगे बराबर 2 × 10^-3 को हम मिली कूलाम लिख देंगे। तो ये हमारा मिली कूलाम आ जाएगा, 2 मिली कूलाम। तो ये होगा द्विध्रुव पर आवेश। प्रश्न में नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1, फोटोवोल्टी युक्तियाँ प्रकाशिक विकिरण को विद्युत धारा में परिवर्तित कर सकती है। तो फोटोवोल्टी युक्तियाँ प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो पहला कथन भी सही है। दूसरा, जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में फर्स्ट दिशिक वायस के अंतर्गत कार्य करने के लिए बनाया गया है। तो जेनर डायोड एक तरह की पीएन संधि है, और ये भंजन क्षेत्र यानी ब्रेकडाउन क्षेत्र में फर्स्ट दिशिक यानी कि उत्क्रम वायस में के कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ताप तथा वोल्टेज स्रोत में अप्रत्याशी उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटियां हैं। ताप तथा वोल्टेज स्रोत में उतार चढ़ाव के कारण त्रुटियां आती है, तो ऐसी त्रुटियों को कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यादृच्छिक त्रुटियां। समान लंबाई के एक खुले पाइप तथा बंद पाइप द्वारा उत्पन्न मूल गुण आवृत्तियों की आवृत्तियों का अनुपात है। तो खुले पाइप के लिए आवृत्ति F1 मानते हैं, F1 बराबर B/12, और बंद पाइप के लिए आवृत्ति हो जाएगी F2 बराबर B/4L। तो जो बंद पाइप की आवृत्ति कम होती है और खुले की ज़्यादा होती है। अब अनुपात की पूछ रहा है, F1/F2 बराबर B/12, फिर बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा 4L/V। तो यहाँ आएगा 2:1, 2/1, 2:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। आवृत्तियों का अनुपात होगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है, धनात्मक, अनंत, ऋणात्मक, शून्य। तो सही आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन 4, क्योंकि इंटीग्रेशन समाकलन B.ds बराबर 0, यानी बंद पृष्ठ से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए 2 ध्रुव होना चाहिए, यानी कि आवेश होना जरूरी है। चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। प्रश्न में दिया हुआ है, सीजियम पोटेशियम सोडियम का कार्य फलन 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2.30 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रोवोल्ट। यदि आपतित वैद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 2.20 इलेक्ट्रोवोल्ट है,
इनमें से कौन सी प्रकाश सुग्राही सतह प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है? हमें धातु दे रखी है और धातुओं का कार्यफलन दे रखा है सबका, तो कार्यफलन से ये पता चलता है कि ये धातु, इस कार्यफलन की अगर जितने इलेक्ट्रोवोल्ट का कार्यफलन है उतनी इलेक्ट्रोवोल्ट की अगर ऊर्जा आती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, कार्यफलन से अधिक होने पर ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब यहाँ देखिए कि जो आपतित विकिरण है वो 2.20 इलेक्ट्रोवोल्ट है, 2.20 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब इससे अगर अधिक कम कार्यफलन जिसका है वही ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। तो यहाँ देखिए 2.20 से कम किसकी है, कार्यफलन ये है सीजियम का है, पोटेशियम का नहीं है, सोडियम का भी नहीं है, तो इसमें सीजियम ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित कर पाएगी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। बी वोल्ट के एक विभांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य अनुक्रमानुपाती है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट यानी ऊर्जा को कैसे लिखते हैं, ईवी से, इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर एच सी वाई लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वोल्ट के। वोल्ट ताके तो तरंग धैर्य वोल्ट ताके व्युत्क्रमानुपाती होगी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बारह वोल्ट 60 वाट लैंप अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से जुड़ा है जो प्राथमिक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। ट्रांसफार्मर को आदर्श मानकर प्राथमिक बाइंडिंग में धारा है। तो इसमें जो आदर्श ट्रांसफार्मर है उसमें इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर होती है, तो पावर इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या होती है, बी आई, और आउटपुट पावर भी बी आई होगी। तो आउटपुट वोल्टता है 200 इनपुट वोल्टता है 220 वोल्ट इनटू धारा आई, और आउटपुट पावर दे रखी है हमको 60 वाट। पावर को वाट से प्रदर्शित करते हैं तो 60 वाट हो जाएगी। अब यहाँ आई बराबर यानी इनपुट धारा हमें ज्ञात करनी है, आई बराबर 60/220, शून्य से शून्य कैंसिल आउट, बराबर बचेगा हमारे 3/11। तो 11 बराबर आ जाएगा 11 × 22 और 11/777 एम्पियर, यानी कि 0.27 एम्पियर इनपुट धारा होगी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। वायु में प्रकाश T1 समय में x दूरी तथा अन्य सघन माध्यम में T2 समय में tan x दूरी तय करता है, इस माध्यम के लिए क्रांति कोण क्या होगा? तो क्रांति कोण का सूत्र होता है साइन c बराबर μ1/μ2, यानी कि प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटे द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, ये तो एक सूत्र है। दूसरा सूत्र होता है साइन सी बराबर द्वितीय माध्यम का वेग बटे प्रथम माध्यम का वेग। अब यहाँ हमें दे रखा है तो बी बराबर दे रखा है B2 बराबर टेन एक्स बटे टी दूरी बटा समय, और बी वन बराबर दे रखा है x/t। तो यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर T2 है। अब इनका मान यहाँ पर रख लेते हैं हम, साइन सी बराबर B2 का मान रख देते टेन एक्स बटे दो बटे एक्स बटे सॉरी यहाँ पे आएगा
यहाँ आएगा 10x/t2 और यहाँ आएगा x/t1 और यहाँ c बराबर हो जाएगा प्रति साइन 10x, यानी x से x कट जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 10t1/t2। तो ये हमारा आंसर होगा और प्रति साइन 10t1/t2 यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न में दे रखा है एक धात्विक तार का द्रव्यमान 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, त्रिज्या 0.3 प्लस माइनस 0.001 ग्राम, 1 मिलीमीटर तथा लंबाई 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है। घनत्व के मापन में अधिकतम संभव त्रुटि लगभग होगी। तो हम जानते हैं द्रव्यमान यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान m और आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल लंबाई। अब यहाँ हम घनत्व त्रुटि निकालेंगे, डेल्टा रो बटे डेल्टा बराबर डेल्टा डेल्टा m डेल्टा एम बटे एम प्लस त्रिज्या स्क्वायर में इसलिए दो लगा देंगे, दो डेल्टा आर बटे आर प्लस लंबाई है डेल्टा एल बटे एल। अब इनके मान यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे ये रो आएगा रो, अब इनके मान रख देंगे, मान रख के इनको हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इनके मान रखना शुरू करते हैं, डेल्टा रो बटे रो बराबर डेल्टा एम दे रखा है हमें 0.002 को लिख सकते हैं हम 2×10⁻³ बटे 4×10⁻¹ प्लस, अब यहाँ लिख सकते हैं हम 2× त्रिज्या है 0.001 तो 10⁻³ बटे 3×10⁻¹ प्लस, अब यहाँ लंबाई की त्रुटि लिखते हैं 2×10⁻³ अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास में बचता है 0.5×10⁻²² प्लस 0.66×10⁻²² प्लस प्लस 0.4×10⁻²। अब यहाँ हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आएगा 6×4=10, 15, 1.56×10⁻²। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.56%। तो 1.56% कहाँ पर दे रखा है तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। यंग के दी झिरी प्रयोग के लिए दो कथन निम्नवत है। यदि पर्दा झिरियों के तल से दूर जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य नियत रहता है।
यदि एक वर्णी स्रोत को किसी दूसरे अधिक तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी स्रोत से बदला दिया जाए तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य घटता है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है और ये स्लिट है, यानी स्लिटों से प्रकाश निकल के जाएगा और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, और यहाँ पर्दा है तो पर्दे, और यहाँ से जब ये तरंग दैर्ध्य निकलती है तो ये कोण बना करके निकलती है, इसको कोण बोलते हैं थीटा, पथ का कोण थीटा बोलते हैं, इसी तरह से यहाँ पे बनता है। तो पर्दे को तुम यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ये कोण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोण पे फ़र्क का पड़ता है, ये पड़ता है फ़र्क, यानी जो थीटा कोण है बराबर होता है लैम्डा बटे डी, यानी कि तरंग दैर्ध्य और स्लिटों के मध्य की दूरी पर डिपेंड करता है, ना कि पर्दे पर निर्भर नहीं करता, ये पर्दा है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो इस कोण का मान भी बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन है कि यदि पर्दा झिरियों के तल से दूर जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य नियत रहता है, यानी जो कोणीय पार्थक्य थीटा है इसका मान नियत रहता है, तो ये पर्दा है तो पर्दे से कोई डिपेंड नहीं रहता, कोई मतलब नहीं पर्दे से, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, यदि तरंग दैर्ध्य बदल दी जाए, तो तरंग दैर्ध्य बदलेंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो कोण का मान भी बढ़ेगा तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो, और जबकि यह क्या कह रहा है कोणीय पार्थक्य घट रहा है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 20 मिनट है, कितने समय में पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा के 1/16 भाग तक विघटित हो जाता है? तो 1/16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 4, तो अर्धायु की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो 4 को हम 20 से गुणा कर देते हैं, तो 20 को हम 4 से गुणा कर देते हैं, बीस को चार से गुणा कर देंगे तो 80 आ जाएगा, 80 मिनट, 80 मिनट ऑप्शन 3 सही होगा। निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित निकाय की तुल्यधारिता है, तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो ये समांतर क्रम है तो समांतर क्रम के जुड़ जाएंगे आपस में, 6 ये हो जाएगा और फिर बचा 3, तो ये श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता आ जाएगी, यानी कि सी इक्वल बराबर 6 × 3/3 + 9, सो 3 + 6, 6 × 18/3, 18/9 बराबर हो जाए 9 × 18, तो 2 μF, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बर्न कोड से ज्ञात किया गया एक कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ओम है 2200 ± 5%, तो तीसरे बैंड का वर्ण होना चाहिए। तो वर्ण कोड ज्ञात करने का एक ट्रिक है, बीबी रॉय जी बीबी जी वाइफ गई ससुराल। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो पहला कोड है, पहला दो पहली पट्टी, दूसरा दो दूसरी पट्टी, और जो 10 के गुणक में होते हैं ये तीसरी पट्टी, और इस प्लस माइनस और परसेंटेज चौथी पट्टी, तो इसमें 4 पट्टियां हैं और तीसरी पट्टी का हमें निकालना है। बी बी रॉय जी बी बी रोए, अब यहीं से हो जाता है हमारा, बी का मतलब होता है ब्लैक, 0 ब्राउन, 2 1 ब्राउन का हो जाएगा, 1 रेड का, 2 ऑरेंज का, 3 और येलो का 4, तो हमारा यहीं से काम हो जाएगा तीसरे वर्ण का, तो ये हो जाएगा 10³, तो 10³ तीसरे ना 10³ किस में है, तो ये हो जाएगा ऑरेंज में, तो यहाँ पे 10³ आता तीसरी पट्टी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक प्रत्यावर्ती स्रोत को एक संधारित्र से जोड़ा गया है, इसकी संचालित आवृत्ति घटने से क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जो संधारित्र प्रतिघात है ना प्रतिरोध, संधारित्र का प्रतिरोध एक्स सी, संधारित्र का प्रतिरोध है एक्स सी बराबर होता है 1/ωc, तो जो ओमेगा में आवृत्ति होती है तो आवृत्ति यहाँ पर घटेगी,
तो संधारित्र का प्रतिघात बढ़ेगा, तो धारिता का प्रतिघात नियत रहेगा तो ये भी गलत है, धारिता का प्रतिघात घटता है तो ये भी गलत है, नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे प्रतिघात, ये आवृत्ति यहाँ पे ये घट रही है तो ये बढ़ेगी। फिर आप देखते हैं कि इसमें जो विस्थापन धारा है, तो धारा यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन धारा आई डी बराबर होगा बी बटे, यानी कि आई बराबर बी बटे आर होता है, तो संधारित्र का प्रतिघात हो जाएगा एक्स सी, तो एक्स सी बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा घटेगा, ये बढ़ेगा ये व्युत्क्रम में तो ये घटेगा, तो जो विस्थापन धारा का मान घटेगा, ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाहन आधी दूरी चाल बी से तथा शेष दूरी चाल टू बी से गति करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, तो औसत चाल यानी कि एवरेज, औसत चाल, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, तो औसत एवरेज बराबर हो जाएगा टू बी वन बी टू बटे बी वन प्लस बी टू, इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद हमें आ जाएगा, तो यहाँ पर दो इंटू बी वन कितना दे रखा है वी, और ये टू बी बटे बी वन प्लस बी टू थ्री बी, तो ये हमारा हो जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फोर बी बटा तीन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। साबुन की घोल से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा लगभग है, साबुन की घोल का पृष्ठ तनाव 0.03 न्यूटन प्रति मीटर है, तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर ऊर्जा होती है, तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर पृष्ठ तनाव डेल्टा ए, ए बराबर होता है क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि बुलबुले का, तो यहाँ पर टी बराबर होता है पृष्ठ तनाव 0.03 न्यूटन प्रति मीटर इंटू डेल्टा ए, यानी कि दो पृष्ठ होते हैं, एक बाहर और एक अंदर बुलबुले के, क्योंकि बाहर भी वायु होती है अंदर भी वायु होती है, तो वो भी कार्य करती है, सहयोग होता है कार्य में, तो दोगुना कर देंगे फिर इंटू गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ इनके मान रख देंगे बराबर 0.03 इंटू दो इंटू फोर इंटू 22/7 इंटू आर, और गोले की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, इनको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो जो आर है इसको हम उसे बदल लेंगे मीटर में, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 × 10^-2 करेंगे, 10^ त्रिज्या 2 × 10^-2 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका त्रिज्या का मान रखेंगे 2 × 10^-2 का होल स्क्वायर, अब इनको हल करने के बाद हमें मान प्राप्त हो जाएगा, इनको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मान आएगा W बराबर 3.015 × 10^-4 joule, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन दो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। बेंटूरी मापी कार्य करता है, बेंटूरी मापी बर्लोनी के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य लैम्डा है और ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या होगी, तो यहाँ पर लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट और फंड, और यहाँ पर हम अनंत मान लेते हैं, तो जो एनबन तो हमें दे रखा है लाइमन, और जो
एन टू होगा वो अनंत से आएगी तब न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो भामर श्रेणी नंबर दो की है, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा एन वन तो बराबर हो गया दो और एन टू बराबर हो जाएगा अनंत, ये एन टू है। उसी तरह से ब्रैकेट लाइमन भामर और ब्रैकेट ब्रैकेट की है चार, एन वन बराबर कितनी चार है, इसको चार बोलते हैं। अब इसका हम सूत्र में प्रयोग करते हैं, सूत्र में रखते हैं मानों को, तो लेमडा वन रखते हैं, लेमडा वन तो वन बाई लेमडा, वन बाई लेमडा बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर, एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। अब यहाँ हमें लेमडा वन निकालना है, लेमडा वन तो आर और जेड, जेड का मान एक होता है और अनंत का भाग हम एक में देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जीरो आएगा और ये हो जाएगा एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा। अब इसी तरह से लेमडा टू निकाल लेते हैं, वन बाई लेमडा टू बराबर आर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर एन वन बराबर हो जाएगा चौथी कोस का है दो चौथी श्रेणी का तो फोर स्क्वायर बटे यहाँ पर अनंत है एन टू बराबर अनंत, तो इसका मान आ जाएगा वन बाई लेमडा टू बराबर आर का मान हो जाएगा तो आर जेड बराबर एक है यहाँ हो जाएगा बटे सोलह। अब लेमडा वन में लेमडा टू का भाग दे देंगे समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो, इसमें इसका भाग दे देंगे तो लेमडा टू बटे लेमडा वन बराबर बराबर लेमडा टू बराबर बराबर दे रखा चार सौ सोलह आर, सोलह बटे आर और लेमडा वन बराबर दे रखा है आर बटे चार, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और चार चौको सोलह तो बराबर रह जाएगा चार, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा टू बराबर फोर लेमडा। तो लेमडा टू की जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी ब्रैकेट की वो होगी फोर लेमडा, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा। इसी लंबे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा यू है, जब इसे दो सेंटीमीटर खींचा जाता है, यदि स्प्रिंग को आठ सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है यू बराबर आप के एक्स स्क्वायर, तो यू समानुपाती हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, तो ये एक्स स्क्वायर क्या लंबाई है एक्स बराबर लंबाई, तो हम यू वन कर देते हैं यू वन बटे यू टू, तो यू वन बराबर कितना दे दो सेंटीमीटर और यू टू बराबर दे रखा है आठ सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा यू टू बराबर हो जाएगा सोलह यू वन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ में दो पीएन संधि डायोड, एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर संधारित्र तथा एक लोड प्रतिरोध लगे हैं, इनमें से कौन सा घटक दिष्टकारित निर्गत से प्रत्यावर्ती श्रृंखला यानी रिपल विलुप्त करता है, यानी दिष्टकारी निर्गत से प्रत्यावर्ती श्रृंखला विलुप्त करता है, तो ये काम करता है संधारित्र, ऑप्शन दो राइट आंसर होगा। चार माइक्रो हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरक में दो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा क्या होगी, तो चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र होता है यू बराबर आप एल आई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम नीचे मान रख देते हैं आप एल बराबर दे रखा चार इंटू दस की घात माइनस छः, तो माइक्रो का दस की घात माइनस छः और इसमें धारा प्रवाहित हो रही दो का स्क्वायर, तो इनको हल करेंगे तो दो से चार कट के दो बार चलो दो आठ आठ माइक्रो जूल हो जाएगा, आठ माइक्रो जूल इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन तीन। यदि बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट डी एस बराबर जीरो है तब क्या होगा, तो बंद पृष्ठ में
गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है तो बंद पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कब नहीं होगा? जब उसके अंदर आवेश ही नहीं होगा, तभी जा करके। तो बंद पृष्ठ के लिए जो विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य पता रखा है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है, ये भी सही नहीं है। सभी आवेश पृष्ठ के अंदर होने आवश्यक है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर अंदर हो गए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, बल रेखाओं की संख्या कम कर देंगे। पृष्ठ के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आवश्यक है, तो ये भी जरूरी नहीं है। पृष्ठ में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या इसे छोड़ने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन चार करेक्ट आंसर होगा कि जितनी बल रेखाएँ प्रवेश करेंगी उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएँ निकल जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। एक फुटबॉल का खिलाड़ी दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रहा है और विरोधी से बचने के लिए अचानक समान चाल से पूर्व की ओर मुड़ता है, खिलाड़ी पर आरोपित बल जब वह मुड़ता है होगा। तो ये हम जानते हैं कि ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। तो खिलाड़ी सबसे पहले दक्षिण की ओर दौड़ता है और फिर वह अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाता है, वेग में परिवर्तन नहीं होता, तो संवेग बराबर होता है एम बी, और इधर संवेग एम बी होता है। तो इस पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा बतानी है। तो लगने वाला बल एफ, एफ बराबर होता है डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन बराबर होता है फाइनल संवेग, फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग, आरंभिक संवेग। तो इनको दिशा में लिखना होता है, तो दिशा में लिखने के लिए क्या करते हैं, एम बी आई माइनस एम बी माइनस जे, तो बराबर हो जाएगा एम बी आई प्लस एम बी जे। तो यहाँ जो बल लगेगा वो बल हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर, ये लगेगा यहाँ पे उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन दो इसका सही आंसर होगा। माना एक तार को किसी छत दृढ़ आधार से लटकाया गया है तथा इसके मुक्त सिरे से डब्लू भार बांधकर खींचा जाता है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के किसी बिंदु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम, ये तार है और तार में कोई बल नहीं है, पिंड एम लटका रखा है, और यहाँ जो बल है वो सब जगह समान है, समान बल है। तो ऐसी स्थिति में और जो अनुदैर्ध्य बल होता है अनुदैर्ध्य बल बराबर होता है एफ बटे ए, यानी कि एरिया, और एफ बराबर हो जाएगा डब्लू, डब्लू बटे ए, डब्लू बटे ए। तो ये हो जाएगा हमारा लगने वाला अनुदैर्ध्य बल डब्लू बटा ए, यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल, ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी वृत्त की परिधि पर गतिमान एक पिंड का कोणीय त्वरण होगा, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर, इसकी स्थिति की इस पर से जाके अनुदिश, घूर्णन अक्ष के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की से बाहर की ओर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। प्रश्न में एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में गति कर रही है, यदि विद्युत क्षेत्र 48 वोल्ट पर मीटर आयाम तथा 2×10^10 हर्ज आवृत्ति पर ज्यावक्र के अनुरूप दोलन करता है तब चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का आयाम है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकंड है। तो यह प्रश्न में हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र, आवृत्ति और प्रकाश की चाल, हमें याद करना है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई, ई बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू प्रकाश का वेग। तो हमें याद करना है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र बटे प्रकाश का वेग। अब यहाँ हम प्रकाश का विद्युत क्षेत्र दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट 48 वोल्ट पर मीटर, और प्रकाश की चाल 3
इंटू 10^8 पर सेकेंड। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 16 × 10^-8। तो इसको लिख देंगे हम बराबर 1.6 × 10^-7 ये हो जाएगा टेस्ला। तो ये हमारा आंसर होगा 1.6 × 10^-7 टेस्ला, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। द्रव्यमान m तथा 9m के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है गुरुत्वीय विभव होगा। तो यहाँ दो पिंड है और ये पिंड है और इस पर द्रव्यमान m है और इस पर 9m है, इनके मध्य की दूरी r है और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है उसको हम इससे x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं हम आर माइनस एक्स। अब हम गुरुत्वीय क्षेत्र निकालते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में शून्य होता है ऐसी स्थिति में जी एम बटे एक्स बराबर जी 9m बटे आर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, जी से जी कट जाता है, एम से एम कट जाता है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर आर माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर आर, एक्स बराबर आ जाएगा आर बटे 4। अब हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, तो गुरुत्वीय विभव b बराबर होता है b1 प्लस b2। तो b1 का मान रखें b1 बराबर होता है gm बटे r। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x का मान है r बटे 4। तो गुरुत्वीय विभव है तो माइनस में आएगा, माइनस और प्लस का है तो ये भी माइनस में हो जाएगा जी 9m बटे 3r बटे 4। अब इसको हल करेंगे, जी एम बाहर हो जाएगा माइनस जी एम तो बराबर माइनस जी एम बटे 4 इधर रह जाएगा 1 माइनस वन माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस जी एम
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -16 जी एम बटे आर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ लेंस दे रखे हैं और लेंस होगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। लेंस का पतले है तो 1/f = फोकस दूरी ज्ञात करें तुल्य फोकस दूरी इक्वल तो बराबर हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। अब यहाँ f1 का मान निकालेंगे, f1 बराबर होता है μ-1 × 1/r1 - 1/r2। अब इसका मान रख देंगे, इसका हो जाएगा 1.6 - 1, फिर जाए इसकी 1/∞ और यहाँ +1/20। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 100 cm प्राप्त होगी, -100 cm। एक गतिमान कार का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए ताकि कार के फर्श पर रखी एक वस्तु स्थिर बनी रहे। वस्तु तथा फर्श के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15 है। तो यहाँ पर हम एक कार बनाते हैं, तो एक कार है और इसके जो फर्श पर रखा हुआ एक पिंड है और इसके बीच घर्षण है 0.15। और अब हमें ज्ञात करना है कि जो त्वरण है वो मैक्सिमम हो जाएगा बराबर घर्षण गुणांक इंटू गुरुत्व त्वरण के। तो यहाँ पर घर्षण गुणांक हो जाएगा 0.15 × 10 आ जाएगा 1.5 m/s² तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन दो इसका आंसर होगा। एक उपग्रह आवर्तकाल टी के साथ पृथ्वी तल के ठीक ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाता है। यदि पृथ्वी का घनत्व डी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी हो तो राशि 3π/gt प्रदर्शित करता है। आवर्तकाल टी बराबर 2π√r³/gm। अब यहाँ हम अंडरवुड, यहाँ हमें ज्ञात करना है 3π/gd। तो घनत्व को लाने के लिए हम द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व लिखते हैं, जी द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, घनत्व हो जाएगा स्मॉल डी और आयतन हो जाएगा 4/3π r³। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बराबर √4π r³/gd 4π r³ और यहाँ लिख देते हैं हम √3। तो यहाँ 4π से 4π कट जाएगा और ये स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा एक, और r³ से r³ कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √3π/gd और बराबर t। तो 3π gd का हम लिख देंगे t² बराबर 3π gd। तो 3π gd का मान आ जाएगा t
टी स्क्वायर, तो आवर्त काल के वर्ग के बराबर है 3π g d का मान। ऑप्शन एक इसका आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण का x माइनस टी ग्राफ नीचे दिखाया गया दिया गया है। टी बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण है, तो त्वरण अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 2π² tx माइनस 2π/8 एक हो जाएगा, माइनस 5² / 16 एम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक परिपथ दे रखा है, इसकी सत्यता सारणी की जांच करनी है। तो यहाँ पर जो 2 गेट दे रखे हैं, ये नॉट गेट है। नॉट गेट का मतलब होता है कि अगर तुम पॉजिटिव दोगे तो उसका नेगेटिव आएगा, या 0 दोगे तो आउटपुट 1 आएगा और 1 का आउटपुट 0 आएगा। फिर यहाँ पे है अगला ही गेट है नॉट एंड गेट। तो नॉट एंड गेट का तो एंड गेट का अर्थ होता है कि अगर तुम दोनों ही पॉजिटिव दोगे, दोनों ही इनपुट पॉजिटिव आएगा तो ये आउटपुट में पॉजिटिव देगा, अन्यथा नेगेटिव देगा। और नॉट को लगा देंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव कर देता है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम आउटपुट 0-0 देते हैं इनपुट, तो हमें नॉट नॉट से मिल जाएगा 1-1 प्राप्त होगा अगर हम 0-0 देंगे तो। और यहाँ से ये पॉजिटिव का पॉजिटिव निकालेगा और नॉट इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। फिर यहाँ पे 1 और 0 है तो 1-0 यहाँ पर हो जाएगा, और 1-0 जाएगा तो 0 और 0 का 1 आएगा, फिर 0 का 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो एक नदी है, तो नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और लड़का बॉल को फेंकता है और आकर के यहाँ नदी में आकर के गिर जाती है ये बॉल। तो अब ये पुल की और नदी के बीच की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र हो जाएगा, ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पर ut यानी जो कुल जो दूरी है पुल की और नदी की, वो ut प्लस हाफ at² बराबर 4×4 प्लस हाफ, त्वरण को माइनस में लिखेंगे -10 और समय 4² बराबर 16 -80, तो निकालेंगे घटा देंगे तो 64 मीटर। तो 64 मीटर आ जाएगी इस पुल की लंबाई, नदी से पुल की ऊंचाई 64 मीटर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान फोकस दूरी f के 2 पतली लेंस, किंतु एक उत्तल व दूसरा अवतल है, जब वे एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी होगी। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्वल बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की फोकस दूरी f और दूसरा जो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आएगी, तो 1/f इनको हल करेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा। तो 1/f² बराबर होगा, तो आवृत्ति f² बराबर आएगी 1/0। तो 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगी, तो इनकी तुल्य फोकस दूरी होगी अनंत। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। एल लंबाई की तार में धारा आई एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश प्रवाहित होती है, इसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप - 4k कैप टी में रखा जाता है, तार पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिणाम होगा। तो एफ बराबर होता है i×l vector × b vector, तो i li×2i इनकी मान रख देंगे, रखने के बाद इसको हल करेंगे तो हमें 5li प्राप्त होगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बंदूक की एक गोली लकड़ी की एक आयताकार गुटके पर यू वेग से दागी जाती है, जब गोली गुटके में क्षैतिज दिशा में 24 सेंटीमीटर घुस जाती है, गोली का वेग
यू बटे तीन हो जाता है। तब यह पुनः रुकने से पूर्व तक उसी दिशा में लक्ष्य को ठीक दूसरी सतह तक भेजती है। गुटकी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये लकड़ी का गुटका है, लकड़ी के गुटके में गोली दागी जाती है, तो जो गोली का वेग पहले यू था 24 सेंटीमीटर आ जाती है, 24 सेंटीमीटर आ जाती है, तो इसका वेग हो जाता है, इसका वेग हो जाएगा यू बटा तीन। इसका वेग यू बटा तीन हो जाता है और इसकी दूरी हो जाती है 24 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आते आते इसका वेग यू बराबर जीरो हो जाता है। तो हमें अब लकड़ी की गुटकी की लंबाई याद करनी है। तो लकड़ी के गुटकी की लंबाई याद करने का सूत्र है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ इसका मान रखते हैं तो अंतिम वेग हो जाएगा यू बटे थ्री बराबर प्रारंभिक वेग होगा यू स्क्वायर, हम इसका भी स्क्वायर लगाएंगे और प्लस त्वरण माइनस में है तो हम यहाँ जो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, रुक रहा है माइनस टू ए और ये चला है 24 सेंटीमीटर, विस्थापन कितना 24 सेंटीमीटर। अब हम दूसरे का निकालते हैं तो दूसरे का अंतिम वेग हो जाएगा जीरो, तो जीरो स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग यू बटे तीन का स्क्वायर माइनस टू ए और ये एस हमें इसमें ज्ञात करना है, तो ये बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटे नौ माइनस टू ए एस। तो यहाँ पे हमें यू स्क्वायर बटे नौ बराबर टू ए एस, तो यहाँ एस बराबर होगा यू स्क्वायर बटे नाइन बटा इंटू टू ए। अब यहाँ हमें टू ए का मान यहाँ से रखना है और टू ए का मान, तो हम यहाँ से हम टू ए का मान निकालेंगे, यू स्क्वायर बटे नाइन बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए। टू ए बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटे नौ माइनस में यू स्क्वायर, तो यहाँ टू ए बराबर हो जाएगा आठ यू स्क्वायर बटे नौ। अब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे बराबर यू स्क्वायर बटे नौ, टू ए की जगह पर रखेंगे हम आठ यू स्क्वायर और बटे में नौ था तो नौ को हम ऊपर कर देंगे। अब इनको यहाँ से काट देंगे, ये नौ से नौ कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, बचा हमारे पास में एक बटे आठ। तो यहाँ पे 24 हो आएगा, तो ऐसी जगह पर 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ये बटे में 24, तो यहाँ भी आ जाएगा ऊपर चला जाएगा 24, तो यहाँ लिखेंगे हम 24, तो आठ दिया 24 बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वहाँ की थी और 24 सेंटीमीटर होती, तो 3 प्लस 24 बराबर
27 सेंटीमीटर। तो लकड़ी के गट्ठे की लंबाई 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 ओम तथा 80 डिग्री सेल्सियस पर 6.8 ओम है। तार का प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। तार का प्रतिरोध टेम्परेचर पर होता है, R बराबर R नॉट इन 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर दे रखा है 6.8 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर टैप प्रतिरोध है 2 ओम, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। 0 से 80 में 0 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे 3.2 बराबर 1 प्लस अल्फा 80। ये हो जाएगा 2.2 बराबर अल्फा 80, अल्फा बराबर 2.2 बटे 80, तो बराबर आ जाएगा हमारा 4 आएगा इस जगह पे 4, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ आएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 × 24.0 3, तो इसको लिख देंगे हम 3 × 10^-2 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन दो आंसर आ जाएगा। एक विद्युत द्विध्रुव चित्र में दर्शाया गया है, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ ये बिंदु P है और द्विध्रुव है, इन पर आवेश, द्विध्रुव पर आवेश एक तरफ माइनस और एक पर माइनस प्लस क्यू है। तो यहाँ पर इस पर आवेश ज्ञात करना, तो यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर देखो विभव, टोटल विभव बराबर होता है बी क्यू प्लस के कारण प्लस बी क्यू माइनस के कारण माइनस क्यू के कारण। तो यहाँ हम इनके मान रखते हैं, तो बी बराबर होता है के क्यू बटे, इसकी दूरी कितनी है बिंदु की आवेश से 2 सेंटीमीटर, 5 × 3/2 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10^-2 मीटर लिख देते हैं इसको। फिर अगले के लिख देते हैं हम प्लस, इसकी वजह 5 × 3 = 8, तो के क्यू माइनस आवेश के कारण के क्यू बटे 8 × 10^-2। हमें के क्यू बटे 2 तो के क्यू इंटू 10^2, 2 को हम कॉमन लेते हैं और यहाँ रह जाएगा 1/2 माइनस 1/8। यहाँ हो जाएगा के क्यू 10^2 4 − 1/8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा के क्यू 10^2, इसको लिख देंगे हम 3/8। तीन बटे आठ के क्यू
तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3/8 KQ/KQ, ऑप्शन 4। एक समान प्रतिरोध R की 10 प्रतिरोधों को ई विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इन्हें समान बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा N गुनी हो जाती है तो N का मान ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हो जाएंगे 10R और विद्युत वाहक बल ई होगा, तो धारा I बराबर हो जाएगा E/R, R बराबर 10R, और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर 10, R/10। अब यहाँ हम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोध धारा का मान ज्ञात करते हैं, तो I बराबर E/R/10, तो R/10 से 10 हो जाएगा। अब इस धारा का मान कितनी गुनी बढ़ी, तो जो समीकरण 1 है और समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर बराबर 10R, यह 10 है और ये R है। अब इसमें भाग देना समीकरण 1 का, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे हम 10R/E, तो E से E कट जाएगा, R से R, बचेगा हमारे पास में 100 गुनी, तो जो 100 गुनी धारा बढ़ जाएगी, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 1। चित्र दे रखा है, इसमें एक लंबे चालक तार को A से B तक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है। स्थिर धारा विन्यास के लिए बिंदु P पर क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा B1 बराबर μ0I/4πR, B2 बराबर μ0I/4πR, और V3 बराबर हो जाएगा μ0I/4πR। सॉरी, इसमें होगा 4R हो जाएगा। अब इनके यहाँ पे हम मान रखते हैं V1 और V2 V3 के, तो यहाँ पर जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0I/4R (1-2π)। और ये हो जाएगा पेज से बाहर की ओर, ऑप्शन 2 इसका आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा की त्रिज्या 5.3×10⁻¹⁰ मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी अनुमोदित कक्षा की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पर किसी भी परमाणु की त्रिज्या R बराबर n²/z। अब हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा की त्रिज्या है हो जाएगी R1 बराबर दे रखिए 5.3×10⁻¹⁰ मीटर। अब हाइड्रोजन परमाणु तीसरी अनुमोदित कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर R1/R3 बराबर R1 दे रखा हमें 1 और R3 ज्ञात करनी है। R1 का मान है 5.3×10⁻¹⁰ R3 बराबर 1/9। R3 बराबर हो जाएगा 9×5.3×10⁻¹⁰। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा
37 इंटू 10 की घात माइनस 11 मीटर। अब मीटर को एंगस्ट्रम में बदलना है, तो एक मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रम होते हैं, तो इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 की घात 10 से, तो हमारे पास में आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रम। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। परिपथ दिया हुआ है और इस परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, यानी प्रेरकत्व की भी ज्ञात करनी है, संधारित्र की और प्रतिरोध की, तीनों की ज्ञात करनी है। तो परिणामी प्रतिबाधा जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, प्रेरकत्व की प्रतिरोध माइनस धारिता का प्रतिरोध दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ हमें दिया हुआ है प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 10, तो 10 का हम कर देंगे 100 प्लस, अब हमें XL ज्ञात करना है, XL बराबर होता है 2 पाई एफ एल, तो इसका मान रखेंगे हम 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ज और एल बराबर दे रखा है 50 बटे पाई और इसको लिख देंगे हम, यहाँ हमारे पास में जगह नहीं तो इधर लिख देते हैं हम इसको, 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ज और एल बराबर दे रखा है 50 बटे पाई और इसको लिख देंगे हम, यहाँ हमारे पास में जगह नहीं तो इधर लिख देते हैं हम इसको, 10 की घात माइनस 3, ये मिली हर्ज था, इसको हर्ज में बदल दिया। अब इसको हम काट देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में आता 5, यानी कि एक्सएल बराबर 5, फिर माइनस एक्स सी निकालना है हमें, तो एक्स सी बराबर होता है, तो यहाँ हमने एक्सएल और एक्स सी का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5√5 ओम ऑप्शन 2 इसको सॉल्व करने पर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।